पहला डाउट क्या है? पहला डाउट है भाई साहब लोगों का रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 मिसलेनियस रूल सॉरी मिसलेनियस रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 उसके बाद आया रूल 17 ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 ठीक है एक डाउट ये आ गया दूसरा डाउट आया ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी पहला डाउट देखते हैं क्या है कल हमने बात करी थी तो हम लोग बात कर रहे थे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में हमने देखा कि भाई हमारे पास में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउड पार्टनर्स हैं ठीक है वो कितने हैं 50 और इसके पीछे एक सेक्शन बोला गया कि इसके पीछे एक कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन काम करता है सेक्शन 464 और उसके बाद किताब में लिखा हुआ है सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वाइड रूल नंबर 10 ऑफ मिसलेनियस कंपनी रूल्स 2014 कुछ ऐसा ऐसा लिखा हुआ वाइड रूल और मैंने आपको बोला कि लिख लीजिए वाइड रूल नंबर 17 ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2014 और साथ में नोटिफिकेशन नंबर दे दिया ठीक है अब देखिए दोनों चीज में क्या है दोनों चीज में डिफरेंस क्या डिफरेंस है बेटा बोलते हैं रूल 10 सबसे पहले सेक्शन 464 में नंबर ऑफ मेंबर्स कहीं भी किसी भी नंबर ऑफ मेंबर्स कहां कहां तो नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टनरशिप में ठीक है नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कंपनीज में कहां लेते बेटा पार्टनरशिप में कंपनीज में एलएलपी में बीओआई में एओपी में एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने भी डिफरेंट आपके एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैं ठीक है सब में मेंबर की लिमिट जो डिफाइन की गई है वो लिमिट डिफाइन की गई है भाई साहब मिसलेनियस कंपनी रूल्स के अंदर उसके बाद टाइम टू टाइम इन रूल में चेंजेस होता रहता है अमेंडमेंट होता रहता है अमेंडमेंट कहाँ होता रहता है तो अमेंडमेंट कंपनीज एक्ट के अंदर होता रहता है और जो कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट होता है उसके हिसाब से रूल्स क्या होते रहते हैं चेंज होते रहते हैं तो जो रूल चेंज होता है वो जो प्रेजेंट रूल चेंज हुआ है वो रूल अभी अमेंडमेंट अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है बेटा अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज तो जो चेंज हुआ है उस चेंज के अंदर जो रूल 17 आया है उस रूल में ये बात लिखी गई है कि अभी तत्काल उसमें संख्या कितनी है अभी भी वो रूल 10 ही है ठीक है उस रूल को चेंज कर दिया है रूल 10 के अंदर जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जो लिखे हुए हैं उनको चेंज किया गया है रूल 17 के अंतर्गत मतलब क्या हो गया दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट है एक रूल 10 है दूसरा अमेंडमेंट का रूल नंबर 17 है रूल नंबर 10 बोलता है द नंबर ऑफ पर्संस स्पेसिफाइड विल बी जो भी होगा विल बी कितना और एज पर द स्पेसिफाइड अमेंडमेंट्स इफ एनी ठीक है और एज पर द स्पेसिफाइड अमेंडमेंट इज एनी जो तो वो अमेंडमेंट हो गई है अमेंडमेंट क्या कहते हैं अभी अमेंडमेंट का रूल नंबर 17 1 2 3 4 करके ऐसे ऐसे पास में 17 रूल्स है 17th रूल क्या बोलता है 17th रूल बोलता है कि अभी इस रूल 10 के अंदर जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो कितने होने चाहिए तो हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स ये हो गया पहला टॉपिक चलो बात खत्म हो गई यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आगे तक बढ़ते हैं जुपिटर लोग लेट आ रहे हैं ठीक है एक दो दिन लेट होता है हर दिन लेट नहीं होता आप लोग टाइम से हैं आपको इस टाइम से निकले तीन दस मैक्सिमम 3:10 तक यहाँ पहुंच जाए क्लास छूटेगा बीच से कनेक्ट करना मुश्किल होगा फिर आपको
आइए डाउट नंबर टू था। डाउट नंबर टू को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। डाउट नंबर टू क्या कह रहा था, बोल रहा था कि कोई ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ कोर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है, इसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। ठीक है, यही बात कह रहा है कि मान लो एक्स और वाई दो लोग हैं, एक्स और वाई दो लोगों ने मिलकर के ठीक है एक प्लॉट ऑफ लैंड परचेज कर लिया है। प्लॉट ऑफ लैंड परचेज कर लिया, जब इन्होंने ये प्लॉट ऑफ लैंड परचेज किया 50% पैसा एक्स ने मिलाया, 50% पैसा वाई ने मिलाया। ठीक है, दो साल प्लॉट ऑफ लैंड को रखने के बाद थर्ड ईयर में उन्होंने इस लैंड को सेल आउट कर लिया और जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट इन्होंने हाफ एंड हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो जब ये इन्होंने ये प्रॉफिट अर्न किया और जब ये लैंड इनके पास ओनरशिप में था तो ज्वाइंट ओनरशिप हो गई, दो लोगों की ओनरशिप हो गई। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को या यहाँ जो ट्रांजेक्शन हुआ उसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, और इस पूरे अरेंजमेंट या रिलेशनशिप को हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते। क्यों, इसके पीछे रीजन। तो पहला रीजन, क्या प्रॉफिट मोटिव था, क्या प्रॉफिट मोटिव था, प्रॉफिट मोटिव को अगर मान लिया कि प्रॉफिट मोटिव था तो चलो पहला चेक पॉइंट क्लियर हो गया कि प्रॉफिट मोटिव था। दूसरा चेक पॉइंट होता है कि क्या ये बिजनेस एक्टिविटी थी, क्या ये बिजनेस एक्टिविटी थी, क्योंकि दो चीजें होना कंपलसरी है, पहला प्रॉफिट मोटिव होना कंपलसरी है, दूसरा बिजनेस एक्टिविटी होना कंपलसरी है, और तीसरा ये बिजनेस एक्टिविटी लीगल होना कंपलसरी है। ठीक है, हमने लीगल को टिक कर दिया गया, ठीक है लीगल था, कोई दिक्कत नहीं है, लीगलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक के थ्रू पेमेंट आया है, सब कुछ ओके होगा, टैक्स दिया जाएगा, टीडीएस कटेगा, एवरीथिंग ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम फंस गए यहाँ, क्या एक्स और वाई का रेगुलर काम है कि वो पार्टनरशिप में जमीन खरीदते हैं और फिर उसको बेच देते हैं? अगर होता है आपके पास में ऐसी ड्यू सर्टेनिटी है कि एक्स एंड वाई का बिजनेस ही रियल एस्टेट का है, ठीक है एक्स एंड वाई रियल एस्टेट डेवलपर्स है, एक्स एंड वाई कमीशन एजेंट्स है, एक्स एंड वाई लैंड एंड बिल्डिंग के परचेसिंग कमीशन एजेंट्स है, ठीक देन इट इज अ पार्टनरशिप, कोई दिक्कत नहीं। तो उनकी ज्वाइंट होल्डिंग में जो प्रॉपर्टी होगी वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कहलाएगी, उनकी प्रॉपर्टी कहलाएगी। पहली बात, अगर ये केस है जो प्रेजेंट केस जो कि आपके बुक में डिस्कस किया हुआ है ज्वाइंट होल्डिंग का, ठीक है वो ज्वाइंट होल्डिंग का केस यहाँ पे आके डिफीट हो जाता है कि वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। क्यों बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे अगर आपको कोई डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो आप उसको बोलिएगा इट्स ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर है। ठीक है, ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। इसकी बात अगर हम दो पॉइंट डिस्कस करने की बात करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, हम दो पॉइंट डिस्कस और करते हैं उसके बाद, क्योंकि आप लोगों ने बहुत पढ़ा है, पूरा पढ़ा भी एकदम निहाल कर दिया, तो आइए तो अपनी बुक खोलिए और बुक में कुछ पॉइंट लिखिए। कलम निकालो, मेरे साथ अप टू डेट रहना पड़ेगा, तो बाबू पढ़ के आना पड़ेगा, अगर आप पढ़ के नहीं आएंगे पीछे रहेंगे। आइए बुक खोलिए और बुक में एक पॉइंट लिखिए या तो कॉपी में एक पॉइंट लिखिए, कहीं भी लिखिए। दिस क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ पार्टनरशिप, और ये डिस्क्वालिफिकेशन का चैप्टर पॉइंट खत्म होने के बाद सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स का पेपर डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक्स के पेपर में आपको ये बताते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल पेपर है, और उसके बाद ये बताते हैं कि भाई आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, कोई आपके पास में दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ पार्टनरशिप,
हल्ला नहीं हो लिख लीजिए, मैं बुक में छोड़ दूंगा, कहीं पे लिख लीजिए ऑफर लिख लीजिए, लिख लीजिए टॉप में साइड में, ठीक है ना। जहाँ पे आपको जो समझने में दिक्कत हो क्या लिखा है हम एक बार पढ़ देते हैं। Disqualification in case of partnership, following partners or individuals are disqualified to be a partner in a partnership firm because according to the Indian Contract Act 1872, they are incompetent to contract. पहला पॉइंट है माइनर बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स, दूसरा पॉइंट है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ब्रैकेट में लिखा हुआ है लुनेटिक, LUNATIC, लुनेटिक। थर्ड लिखा हुआ है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, दैट इज अ पर्सन प्रूवन गिल्टी अंडर एनी लॉ, ठीक है। ये तीन लोग पार्टनर नहीं बन सकते पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। तो मालूम कैसे चलेगा पागल, सर कैसे साबित करें कि पागल है, जैसे साबित करें इसी बात को हम जवाब दे उसका। जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़िएगा, जब आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पूरा पढ़िएगा, हाँ जी, तब आप पॉइंट नंबर अनसाउंड माइंड लोनेटिक LUNATIC हो गया, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जाकर के आपका टोटल का टोटल फीचर्स कंप्लीट हुआ है। फीचर्स में एक पॉइंट ये रह रहा था, ये पॉइंट बताना जरूरी था, ये पॉइंट बता दिया हमने, ठीक है। जॉइंट होल्डर्स वाला एक पॉइंट बता दिया, जॉइंट होल्डर्स वाला पॉइंट आप देख लीजिएगा। कहने का मतलब है कि ये तीन लोग इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, और इंसर्शन है इस पॉइंट का, इस वाले पॉइंट को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने अपने पास में उठा लिया है, ठीक है। कहाँ से उठा लिया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से उठा लिया है। और अगर कोई भी बंदा ये तीन पॉइंट अगर आ जाता है तो ये तीन लोग पार्टनरशिप में पार्टनर्स नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका एक एक्सेप्शन बाद में हम लोग आकर के पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि ये तीन लोग पार्टनर्स नहीं बनाए जा सकते हैं, या अगर ये इनको छोड़ के ये दो कैटेगरी के लोग अगर पार्टनर हैं भी, ठीक है, क्योंकि माइनर तो पार्टनर बनाया ही नहीं जाएगा, पहले ही पता चल जाएगा कि वो माइनर 18 ईयर से कम एज का है। और अगर बाद में कोई व्यक्ति पार्टनर बनाया जा चुका है और वो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाद में डिक्लेयर हो जाता है, या उसका मेंटल स्टेबिलिटी और मेंटल स्टेटस बाद में क्या हो जाता है, ल्यूनेटिक पर्सन की तरह हो जाता है, तो ही और शी सीजेस टू एग्जिस्ट इन द पार्टनरशिप फॉर्म एज अ पार्टनर, वो अब पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं माना जाएगा। और अगला बोलता है पर्सन हु इज डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड का मतलब समझिएगा, इसका मतलब बोलता है पर्सन हु इज प्रूवन गिल्टी। यहाँ पे दो शब्द होता है, एक शब्द आपका आता है बेटा, पहले आता है एक शब्द अक्यूज्ड, और उसके बाद फिर दूसरा शब्द आता है गिल्टी, ठीक है। अक्यूज्ड का मतलब होता है किसी के ऊपर आपने दोष लगाया है, ठीक है, और गिल्टी का मतलब होता है कि सामने वाले के ऊपर दोष प्रूव हो चुका है, ठीक है। अंतिम सिर्फ आपने किसी के ऊपर कोई दोष लगाया है, कोई बात कही गई कि इसने फला काम किया, ठीक है, और वो कोर्ट ऑफ लॉ में उसके ऊपर केस डाला गया है, तो उस केस में उसको हम लोग सीज टू बी अ पार्टनर नहीं कह सकते हैं। वो पार्टनर तब तक बना रहेगा जब तक कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है।
ठीक है, जब सेंटेंस हेड होगा, जब आपका डिसीजन आएगा, डिसीजन आने के बाद अगर वो पर्सन अक्यूज से गिल्टी में ट्रांसफर हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो दोष जो उसके ऊपर डाला गया है वो दोष सही साबित हो जाता है, देन दैट पर्सन सीजेस टू एग्जिस्ट इन द पार्टनरशिप, देन उसके बाद वो पार्टनरशिप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। अगला एक पॉइंट और है जो कल हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे, वो पॉइंट है लॉफुल बिजनेस का। लास्ट में मैंने बताया था लेकिन सारे बच्चे सुन नहीं पाए थे सही से। लॉफुल बिजनेस, जब भी आप पार्टनरशिप के अंदर काम करेंगे तो जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं उस कंट्री में जो टैक्स प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड मतलब जिस काम को आप नहीं कर सकते हैं, उस काम में आप पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं कर सकते हैं। मतलब बिजनेस शुड ऑलवेज बी लीगल, बिजनेस हमेशा क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। इतना करने के बाद आपके पार्टनरशिप का फीचर्स खत्म हो जाता है। फीचर्स से रिलेटेड और कुछ पार्टनरशिप डीड वगैरह से रिलेटेड आपको हम असाइनमेंट दे देंगे जब हम ये थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। अभी हम लोग ये पोर्शन कंप्लीट कर लिए हैं, नेक्स्ट पोर्शन जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो है हम लोगों का राइट टू पार्टनर्स। ठीक है, राइट टू पार्टनर्स के पहले रुक करके हम लोग ये बातें कर ले, एक मिनट, लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज के बाद हम लोग बात करेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म करने सेपरेट लीगलिटी क्यों नहीं होता है। अभी दो पॉइंट हम लोग और डिस्कस करेंगे, एक राइट का पॉइंट डिस्कस करेंगे और दूसरा लाइब्रेरीज का पॉइंट डिस्कस करेंगे। देन हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे जो एक क्वेश्चन रेज हुआ था कि पार्टनरशिप फॉर्म सेपरेट लीगलिटी क्यों नहीं होती है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट हम जो देखने जा रहे हैं वो राइट का कंसेप्ट है। अपना हाइलाइटर ले लीजिए, बुक में जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट टिक करना है पॉइंट टिक करते चलिए, बहुत ज्यादा डिस्कशन का इसके अंदर जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां पे मेरे को नीड लगेगा कि डिस्कस करना है वहां डिस्कस करते हो चलूंगा आपको। भाई करते हैं आगे राइट। चलिए हाइलाइटर्स निकाल लीजिए आप लोग अपने अपने, और जहां जहां जो जो पॉइंट टिक कर रहा है अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है आप अंडरलाइन करके चलिए जहां जहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स को देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जिनके पास लिखे हुए हैं वो जहां पे राइट टू पार्टनर लिखा हुआ है वहां पे एक राइट और ऐड कीजिएगा, आपके बुक में एक राइट मिसिंग है। ठीक है, राइट टू पार्टनर का जहां पे पॉइंट है टॉपिक में 2.2 पेज नंबर पे एक राइट और ऐड कीजिएगा, छोटा छोटा लिखिएगा, छोटा छोटा एक राइट ऐड कीजिएगा। लिखिए इन केस ऑफ इमरजेंसी, लिखिएगा पॉइंट है इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी लिख लो बेटा, लिख लो इतना भी आपसे मत बोलो। ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी करना ही कह दूंगा रेसिसन ऑपरेशन, इन केस ऑफ इमरजेंसी रेसिसन ऑपरेशन। ऐसी शर्मा का मैंने चेक नहीं किया है रेसिसन और पॉइंट टैग की, आप एक बार सुन लीजिए क्या पॉइंट है। ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी पार्टनर हैज राइट टू, बगल वाला तो लिखना है ना उसके पास में लिख लेना। ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी partner has right to work according to, in case of emergency partner has right to work according to, in case of emergency partner has right to work according to his own judgment, work according to his own judgment and take decisions। इन केस ऑफ इमरजेंसी अ पार्टनर हैज राइट टू, वहां से किसी का छूटा नहीं है ना। ठीक है, अ पार्टनर हैज राइट टू वर्क अकॉर्डिंग टू हिज ओन जजमेंट एंड टेक हिज ओन डिसीजंस एंड टेक हिज ओन डिसीजंस। देखिए यहां पे सब में कॉमा and to get indemnified for the expenses, incurred by that partner during that decision. मेरे ख्याल से छोटे छोटा करके आ जाएगा। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, दोनों अलग है तभी। ठीक है, जो इनके जो पॉइंट है उससे ये अलग पॉइंट है तभी मैंने ऐड करा है। ठीक है, दोनों पॉइंट में डिफरेंस है, समझाते हैं आप सब डिफरेंस। चले
यहाँ तक लिख दिया आपने सबने, एसी शर्मा भी मेरे ख्याल से ये पॉइंट नहीं होगा, आप ऐड कर दीजिएगा ठीक है, क्योंकि वो अगर एक्सपेंस का पॉइंट होगा भी इंडेमनिफिकेशन का तो वो पॉइंट अलग है इंडेमनिफिकेशन, ये पॉइंट अलग है इंडेमनिफिकेशन, दोनों में थोड़ा अंतर है, बता दें पहले एजेंट वाला पॉइंट हो गया, हां प्रिंसिपल और एजेंट वाला पॉइंट ठीक है, थोड़ा सा प्रिंसिपल का इसमें कंज्यूमर की कांसेप्ट होगा थोड़ा सा अलग कांसेप्ट, तो एक केस बताएंगे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। आइए पॉइंट नंबर एक से डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है राइट, है राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत इजी है, आप बस अंडरलाइन कर लीजिए शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस काम खत्म होगा ठीक है। पहला राइट पार्टनर का है कि वो प्रॉफिट और लॉस में हिस्सेदारी लेगा ठीक है, राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ठीक है, हो गया पहला पॉइंट मेरे ख्याल से समझाने लायक कुछ नहीं है। राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस क्या करेंगे शेयर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको समझने में। आइए सेकंड पॉइंट बोलता है एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड टेक डिसीजंस ठीक है, मैनेजमेंट में पार्ट लेगा, कोई भी पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को बिजनेस में काम करने से रोक नहीं सकता है, एज इजी एज सिंपल जो लिखा हुआ है उसको लिखा हुआ है, टेक पार्ट इन मैनेजमेंट अंडरलाइन कर लीजिए, हो गया बात, समझाने का कुछ नहीं ठीक है। हाँ वही बात होगी, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एक ही बात होगी, कंडक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि बिजनेस को चलाने में, मैनेज करने का मतलब क्या हो गया बिजनेस को सही तरीके से मैनेज करने में, दैट इज द सेम थिंग, कंडक्ट को अंडरलाइन कर लीजिए, अगर आपके बुक में कंडक्ट लिखा हुआ है कंडक्ट को अंडरलाइन कर लीजिए ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू द बिजनेस ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड हर पार्टनर का ये अधिकार है कि कोई भी काम होने से पहले उससे उस काम के बारे में पूछा जाए, कोई दिक्कत उससे कंसल्ट किया जाए, उसकी रजामंदी ली जाए, विदाउट द कंसेंट ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर कोई काम नहीं किया जाएगा ठीक है। इसमें एक चीज और आ सकती है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा डिसीजन है जो डिसीजन सिंगल पार्टनर ने ले लिया और उस पार्टनर ने उस टाइम इंटीमेट नहीं किया बाकी पार्टनर्स को, अगर बाद में बाकी पार्टनर्स को बताया जाता है तो एज अ प्रिंसिपल आपको उस डिसीजन को क्या करना पड़ेगा, रेटिफाई करना पड़ेगा ठीक है। रेटिफाई करने का मतलब हो गया कि आपको वो सही ठहराना पड़ेगा। हाँ अगर ऐसा है कोई केस कि अगर उसमें आप कुछ कह सकते हैं या आपको वो चीज पसंद नहीं है तो आपको उस टाइम रुकावट डालनी पड़ेगी जिस टाइम पार्टनर डिसीजन ले रहा है ठीक है। यहाँ पे राइट के मामले में ये बात होती है कि कोई भी पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को इस बात के लिए नहीं रोक सकता है कि वो बिजनेस में कुछ डिसीजन लेने में अपनी बात रखे, हर पार्टनर को ये अधिकार है कि वो अपनी बात रखेगा बिजनेस डिसीजन के टाइम, कोई दिक्कत उसको समझने में। ये सब आसान आसान पॉइंट है जो इजी पॉइंट है, आप आराम आराम से करते चलिए। अगला पॉइंट बोलता है एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड, ये वाला हो गया, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, बोलता है हर पार्टनर को ये अधिकार है कि वो जब चाहे तो पार्टनरशिप बिजनेस का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या हो गया, जो उसके अकाउंट्स के लिखे जा रहे हैं, जो कैश बुक है, जो लेजर्स हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी बैंक अकाउंट है, जो भी बैंक स्टेटमेंट है, जितनी चीजें हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर बताती है, उनको वो इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है और उसकी एक कॉपी मांग सकता है कि वो मेरे पास रहेगी ठीक है, कोई दूसरा पार्टनर डिनाई नहीं कर सकता है, बात समझ में आ गया, नॉर्मल सा पॉइंट है, इस पे कोई एक सिर्फ माइक लड़ी नहीं उठता है, भाई साहब बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बोलिएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक जगह मेंटेन होगा, मैंने बोला बिल्कुल ठीक एक जगह मेंटेन होता है, अगर कंप्यूटराइज मेंटेन होता है तो वो चाहे तो टैली का आपसे मांग सकता है कि मुझे बैकअप दे दीजिए ठीक है, सॉफ्टवेयर का आपसे मांग सकता है कि बैकअप दे दीजिए, अगर मैनुअल रिकॉर्डिंग होती है तो वो बोल सकता है कि मेरे को जेरोक्स कॉपी दे दीजिए ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी मांग सकता है, बैलेंस शीट की कॉपी मांग सकता है, प्रीवियस ईयर्स के बैलेंस शीट की कॉपी मांग सकता है ठीक है, ये सारा काम एक पार्टनर कर सकता है, उसको राइट है कि वो सारी चीजें मांग सकता है, वो बैंक रिकंसिलिएशन मांग सकता है, वो बैंक स्टेटमेंट मांग सकता है, जो भी आपके पास में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है सारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को आपके क्या कर सकता है वो फॉर्म से मांग सकता है, कोई दूसरा पार्टनर उसको डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं आप ये नहीं देख सकते, आप वो नहीं देख सकते, आप बैंक स्टेटमेंट नहीं देख सकते, आप बैलेंस शीट नहीं देख सकते, आप डिसीजन नहीं ले सकते, इसके ऊपर उसके ऐसा कोई डिनायल नहीं हो सकता ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट होता है एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब भी इसको समझ लीजिए, मानिए X और Y पहले से कोई दो पार्टनर ठीक है, Z को पार्टनरशिप फॉर्म में क्या करना है इंटर कराना है, तो जब तक X और Y दोनों म्यूचुअली एग्री नहीं होगा तब तक Z पार्टनरशिप में इंटर नहीं कर सकता है, मतलब फॉर द इंडक्शन ऑफ Z एज अ न्यू पार्टनर इनटू द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप X एंड Y दोनों का कंसेंट लेना जरूरी है ठीक है, और ये X और Y का राइट हक बनता है
क्या हक बनता है कि भाई जब कोई नया पार्टनर एडमिट किया जा रहा है तो बाकी सारे पार्टनर से इस बात की रजामंदी ली जाए, पूछा जाए कि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। और एक बात यहाँ पे, और अगर इनमें से कोई भी पार्टनर इस बात को मना कर देता है कि नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा तो नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा। क्लियर है, बात समझ गए? मतलब कि एग्जिस्टिंग पार्टनर का कंसेंट चाहिए होगा आपको न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए। अब यहाँ पे बेटा डिपेंड करेगा कि सबके राइट्स किस हिसाब से, सबके राइट्स किस हिसाब में। अगर आप नॉर्मल प्रोविजन पार्टनरशिप एग्रीमेंट का पढ़ेंगे, ठीक है, तो एक तो बात क्या है ना बेटा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से राइट्स बदलते भी, लेकिन जो बेसिक राइट है ना, बेसिक राइट में ये हर पार्टनर का राइट है कि अगर वो डिनाई कर देता है तो कोई दूसरा पार्टनर आएगा नहीं, तो दूसरे पार्टनर का आप एडमिशन नहीं करा सकते आराम से। तो ऐसे बेसिक राइट्स में आप हर पार्टनर के पास में ये रिजर्वेशन ऑफ द राइट होता है कि अगर वो मना कर देगा तो नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविजंस व्हाटसोएवर हैज बीन रिटन इन द पार्टनरशिप। अगर ऐसा पार्टनरशिप में क्लॉज लिखा हुआ है, यानी क्लॉज किसकी म्यूचुअल कंसेंट से लिखा हुआ होगा, पार्टनर के कंसेंट से लिखा हुआ होगा। ये जो हम जो बातें अभी कर रहे हैं ना, ये बातें एज पर द पार्टनरशिप एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई ऐसी बात लिखी हुई है जहां कोई एक क्लॉज इंसर्टेड है और वो क्लॉज कहता है अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस इवन व्हेन 3/4 मेजॉरिटी इज बीन ऑप्टेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर, देन दैट पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप, ठीक। तो डिपेंड करेगा क्योंकि पार्टनरशिप की जब ऑडिटिंग होती है तो पार्टनरशिप की ऑडिटिंग और अकाउंटिंग से सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर वो एग्जिस्ट करता है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो सारे क्लॉजेस कहाँ के लगाए जाते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, जो हम तुरंत इसके बाद पढ़ने वाले हैं, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास में हम इसको हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस क्वेश्चन का बहुत सब्जेक्टिव आंसर है। हम बोल सकते हैं कि अगर पार्टनरशिप एक्ट में ये क्लॉज लिखा हुआ है कि 2/3 मेजोरिटी या 1/3 मेजोरिटी या हाफ मेजोरिटी होगी तो नया पार्टनर एडमिट हो जाएगा, तो दैट पार्टनर कैन गेट एडमिटेड। लेकिन अगर हम लोग बेसिक राइट की बात करें तो पार्टनर के पास राइट है कि वो एडमिशन को क्या कर सकता है, सब डिपेंड पार्टनरशिप डीड पर, सब कुछ डिपेंड करता है पार्टनरशिप डीड के ऊपर कि डीड में क्या क्लॉज होगा, ठीक है। और जब डीड में क्लॉज नहीं होगा तो क्या राइट एक्सरसाइज होगा, यही राइट एक्सरसाइज होगा कि अगर वो 0.1% का भी पार्टनर है और अगर उसने मना कर दिया कि नहीं नया पार्टनर इंडक्ट नहीं होगा तो नया पार्टनर इंडक्ट नहीं होगा। क्लियर है क्या आपको? यस सर। नहीं, चलो आगे नेक्स्ट बात देखते हैं। नेक्स्ट बात क्या करता है, बोलता है एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। क्या है भाई? तो जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है उसका ज्वाइंट ओनर होता है। ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ज्वाइंट ओनरशिप का क्या मामला है? मान लो एक्स है, वाई है, जेड, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म में तीन पार्टनर है, एक्स, वाई, जेड। ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आता ये सब पॉइंट, ठीक है, बाद में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा एक सारा पॉइंट, ठीक है। जब आप, क्योंकि आपको थियोरेटिकल लिखना पड़ेगा, एस्पेक्ट थियोरेटिकल एस्पेक्ट आएंगे क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। तो एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, ये एक्स वाई जेड तीनों ने मिलकर के कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, तीनों ने मिलकर कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। मान लो कैपिटल कंट्रीब्यूशन का रेशियो था 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, ठीक है। 3 lakh रुपया फॉर्म में इंसर्ट हो गया, ठीक है, नई फॉर्म बन गई, मान लो नाम है झरोखा लिमिटेड, झरोखा एंड कंपनी, कुछ भी हो, चलिए। तो यहाँ पे इस फॉर्म का कैपिटल कितना हो गया? 3 lakh। इस 3 lakh रुपए से झरोखा एंड कंपनी ने पर्दा खरीदा, ठीक, पर्दा खरीदा, अरे चलो फर्नीचर खरीदा, लग रही थी भाई मैं कौन से क्लास में, आराम आराम से पढ़ रहे हैं, चिल कर रहे, कोई बहुत पढ़ रहा है क्लास में, इतना पढ़ रहा है कि दिमाग हैंग हो जाए, अभी से इतना इंटेंसिटी बढ़ा लोगे इतना सीरियसनेस ले आओगे तो सीएफएस तक पहुंचने में तो ब्लास्ट कर जाओगे।
इतना टॉपिक पढ़ना है, इसमें इतना टॉपिक पढ़ना है कि ब्लास्ट कर जाओगे सिलेबस का आकर। अभी एकदम जी लोगों के पास सबसे आसान टॉपिक चल रहा है भाई सर, क्या हो रहा है, तीन आदमी का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है बस। लव ट्रायंगल नहीं है बाकी सब, आ जाओ पर नीचे खरीदा है जी भाई। तो अब इस ये फर्नीचर की कॉस्ट मान लो 50,000 रुपीज, ठीक है। अब ये 50 हो गया कूल सराब जी, थैंक यू। तो ये 50,000 रुपीज पे अब किसी पार्टनर का सिंगल ओनरशिप नहीं होगा। अगर एक्स बोलता है कि ये 50,000 का फर्नीचर मेरा है, वाई बोलता है कि ये 50,000 का फर्नीचर मेरा है, जेड बोलता है कि मेरा है, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर तीनों पार्टनर का अधिकार हो गया। मैंने ये नहीं बोला कि इक्वल अधिकार हो गया, ठीक है, आपको शब्द पकड़ना पड़ेगा। मैंने ये नहीं बोला कि इक्वल अधिकार हो गया, इक्वल अधिकार हम बोल के फंसेंगे नहीं, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी कंटेन्स द राइट ऑफ ऑल द थ्री पार्टनर्स एंड व्हाटएवर इज द राइट इज बीइंग रिटन इन द पार्टनरशिप डीड, ठीक है। जो राइट होगा वो राइट कहाँ लिखा हुआ होगा, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा। ये डिस्कस होगा पार्टनर्स के बीच में कि भाई जो भी पार्टनरशिप के एसेट क्लेम होंगे, मतलब एसेट खरीदे जाएंगे, उस पे पार्टनर्स का अधिकार कैसे कैसे होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो में होगा या किसी और रेशियो में होगा, ये कहाँ लिखा हुआ होगा, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा। अगर नहीं लिखा हुआ होगा तो प्रैक्टिकली एसेट्स के ऊपर जो पार्टनर का राइट होता है वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो में होता है। क्या बोला मैंने, प्रैक्टिकली अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो में होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। तो ये पॉइंट क्लियर है। ज्वाइंट ओनरशिप का बात क्लियर हो गया। ज्वाइंट ओनरशिप का मतलब हो गया कि उस एसेट से बेनिफिट कोई भी सिंगल पार्टनर नहीं लेगा, बेनिफिट कौन लेगा, बेनिफिट पूरा फर्म लेगा, ठीक है। ज्वाइंट ओनरशिप का पॉइंट मेरे हिसाब से इससे ज्यादा डिस्कशन का जरूरत उसके अंदर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास बढ़ते हैं, बोलता है इफ अ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, अगर एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, कैसे दिया है अभी तुरंत समझा देते हैं। तो फर्म को अगर पार्टनर ने लोन दिया है उस केस में उसका अधिकार है कि उसको 6% पर एनम का ब्याज दिया जाए। कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा, फर्म से मिलेगा, ठीक है, फर्म से उसको 6% का ब्याज मिलेगा। ये क्या तरीका है, क्या बात है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा एक बार बेटा, क्योंकि आगे चल के अभी हम जनरल इंक्रीमेंट्री सब यहीं पे समझा देंगे, आगे अब दोबारा फिर डिस्कस नहीं करेंगे, जहां पे ये पॉइंट होगा वहां पे क्लियर हो जाएगा। हम आपको एक पॉइंट समझाने जा रहे हैं, क्या होगा, पार्टनर्स लोन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जर्नल एंट्री आप कहाँ यूज करना है, इंटरेस्ट कैसे देना है, क्या करना है, सब कुछ यहीं पर, ठीक है। मान लीजिए कि दो पार्टनर था एक्स और वाई, और ये एक्स और वाई की फॉर्म थी झरोखा एंड कंपनी, ठीक है। फर्म को 2,00,000 रुपए की जरूरत थी, ठीक है, फर्म को 2,00,000 रुपए की जरूरत थी, इनको 2,00,000 रुपया चाहिए था फर्म, ठीक है। अब क्या ऑप्शन है, तो ये ऑलरेडी क्या कर चुके थे, एक्स और वाई ऑलरेडी अपना कैपिटल जितना कंट्रीब्यूशन करना था ये ऑलरेडी कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर चुके थे। अब इनके पास और अमाउंट ऑफ कैपिटल देने को नहीं था या ये देना नहीं चाह रहे थे, जो भी बात, तो अब क्या हो सकता है, तो अब ये फर्म जो है वो कहाँ जाएगी, फर्म क्या जाएगी, मतलब दोनों पार्टनर मिलकर कहाँ जाएंगे, बैंक, दोनों पार्टनर जाएंगे तो फर्म चली जाएगी, ठीक है, फर्म के नाम पे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पे होना है, फर्म के नाम पे होना है, ठीक है। जो आपका लोन एग्रीमेंट होगा वो किसके नाम पे होगा, फर्म के नाम पे होगा। ये बैंक के पास गए और इन्होंने बैंक को बोला कि वी आर इन नीड ऑफ 2,00,000, बैंक ने बोला ठीक है आपको बिजनेस लोन देते हैं, 8% का ब्याज लेंगे, ठीक है। बैंक ने बोला कि हम इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे, 8% पर एनम के हिसाब से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बैंक ये बैंक बात बैंक ने बोला, ठीक है। अब वाई क्या कर रहा है, एक्स को छुट्टी काट रहा है, पूरी बात सुनिए, कहानी पूरी सुनिए फिर उसके बाद, ठीक है। एक्स और वाई मिलकर बैंक के पास गए हैं, बैंक ने उनको बोला है कि भैया 8% ब्याज देना पड़ेगा,
ठीक है, 2 लाख पे 8% साल का कितना रुपया बनेगा? 16,000 ठीक है। फर्म के पॉकेट से इंटरेस्ट का एलिमेंट 16,000 रुपया जाने वाला है। बोलो ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल अब वाई लगा एक्स को चुटी काटने, ठीक है। एक्स समझ गया कि वाई के दिमाग में कुछ पूरा पाक चल रहा है, ठीक है। वाई गणपति सर आप ठीक है। अब जैसे ही चुटी काटा गया चिराग को, ठीक है, चिराग वहां से उठ लिया, बोलता कि जरूर कोई बिजनेस आइडिया आ गया होगा इसके दिमाग में। दोनों भाई कहाँ निकल के आए? बैंक से बाहर निकल के आए। अब इसने बोला चुटी क्यों काटा? इसने बोला स्कीम है, समझाते हैं, ठीक है, एक स्कीम समझाते हैं। क्या स्कीम समझाया? वाई ने बोला एक्स को कि देख भाई, मेरे पास पैसा था, मुझे झूठ बोल रहे थे, मेरे पास पैसा नहीं, ठीक है, मेरे पास में 2 लाख रुपया है। बोला बिल्कुल ठीक। तो ये 2 लाख रुपया हम क्या कर देते हैं? फर्म में लगा देते हैं, लेकिन नॉट एज कैपिटल, ठीक है। वाई बोलता है कि ये 2 लाख रुपया हम कैपिटल, नॉट एज कैपिटल, पूंजी की तरह नहीं लगाएंगे, बिकॉज डूबने का डर है। बिकॉज पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो पूंजी का डूबने का सबसे बड़ा खतरा है किसको? पार्टनर। उसने बोला कि भाई हम कैपिटल नहीं लगाएंगे, एज अ लोन लगाएंगे। क्यों? बिकॉज जब फर्म अगर डूबेगी भी, ठीक है, तो एक्सटर्नल व्यक्ति का पैसा, मतलब एक्सटर्नल क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद अगर कुछ भी बचेगा, तो सबसे पहले मेरा लोन का पैसा क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। ये रूल है। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे डिसोल्यूशन, तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर इफ एन अमाउंट इज बीइंग ग्रांटेड बाय योर पार्टनर एज अ लोन टू द पार्टनरशिप फर्म, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन आफ्टर पेइंग ऑफ द एक्सटर्नल लायबिलिटीज व्हाटसोएवर अमाउंट हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट, इफ एनीथिंग रिमेन इन द हैंड ऑफ द बिजनेस, देन फर्स्टली द लोन अमाउंट ऑफ द पार्टनर विल बी रीइंबर्स्ड एंड देन द कैपिटल अमाउंट विल बी रीइंबर्स्ड, ठीक है। अगला पूरा बनने वाला बात कर रहा है एकदम, ठीक है। क्या कह रहा है? बोल रहा है कि इसको कैपिटल की तरह पैसा नहीं लगाएंगे, ठीक है, 2 लाख का जरूरत है, लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे? लोन की तरह लगाएंगे। और सिंपल सा बात है, अगर बैंक से लोन लिए होते तो 16,000 रुपया तो हम लोगों को देना ही पड़ता सालाना, ठीक है। तुम ऐसा करो, मारो 8% तो बोली है, 6% पर एनम के हिसाब से लॉस तो होना ही था, ठीक है, अपना खर्चा इतना तो होना ही था, कम से कम 16,000 रुपया। हम तो तुमको बोल रहे हैं कि 6% के हिसाब से 12,000 रुपए में ही काम निपटा लेते हैं इंटरेस्ट, बस ये 12,000 रुपए हम क्या करेंगे? तुम बैंक को देते, ठीक है, हम दोनों आदमी मिलके किसको देते? दोनों ही आदमी मिलके, ये दोनों पार्टनर है, तो फर्म से अगर पैसा जा रहा है तो इन्हीं दोनों का तो जा रहा है, इतना तो समझ में आता है ना आप लोगों को, ठीक है, कि अगर दो लोग पार्टनरशिप फॉर्म में हैं, तो अगर कोई पैसा जा रहा है, कोई खर्चा हो रहा है, तो किसका प्रॉफिट कम हो रहा है? इन्हीं दोनों का प्रॉफिट कम हो रहा है। तो इसने बोला कि यार देखो एक्स, अगर मान लिया कि हम लोग इक्वल पार्टनर होते, 1:1 का रेशियो होता, 16,000 रुपया अगर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन देते, तो तुमको तो 8,000 रुपये का लॉस होता, होता कि नहीं होता? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारा लॉस 6,000 रुपया होगा, ठीक है, और क्योंकि भाई पैसा मेरे पास में है, तुम्हारे पास में नहीं लगा दो, तुम्हारे पास में नहीं है तो मेरे पास है, हम लगा देते हैं, तो पैसा हम लगाएंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो लेंगे, ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस रूप में लेगा? 6% ब्याज के रूप में लेगा। अब जो बात यहाँ पे है ये क्या है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ पार्टनरशिप डीड एंड देयर इज एन एग्रीमेंट अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन दैट रेट कैन बी एनी रेट व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड अमंग द पार्टनर्स, ठीक है, एंड इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड और इफ देयर इज अ डीड एंड देयर इज नो डिस्कशन अबाउट द इंटरेस्ट रेट, then the agreed amount of interest rate will be 6%. सिंपल हिंदी में बता दें कि अगर दोनों पार्टनर के बीच में ब्याज के रेट का कोई डिस्कशन हुआ है तो वो वाला ब्याज का रेट, और अगर कोई डिस्कशन नहीं हुआ तो 6% का ब्याज का रेट, 6% का ब्याज का रेट, हो गया मामला खत्म। ये पहला कंसेप्ट है, जो पहला रेट है जो आपको पार्टनरशिप में याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो कितना परसेंट? 6%, और अगर जो दिया हुआ है तो आप नोट करके वो वाला रेट आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए।
अब आइए जर्नल एंट्री पे आते हैं। जर्नल एंट्री के लिए तो हम भैया पहले से एकदम सुनिश्चित नहीं था वो जर्नल एंट्री आएगा। पहला जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म, झलोखा लिमिटेड की किताब में पहली एंट्री। बोलिए भैया जर्नल हम नहीं बताएंगे, कैश का बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, ये सारा काम बेटा बैंक से होगा। बैंक अकाउंट डेबिट दो पार्टनर्स होने का, टू वाइज टू पार्टनर्स होने का, टू वाइज लोन अकाउंट। ठीक है, बैंक बढ़ गया, एसेट बढ़ गया तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ गया तो क्रेडिट हो गया। भाई कितने रुपए से कोई दिक्कत आ गया? नो सर। पढ़े आगे उसमें जनरल एंट्री। यस सर। बीइंग लोन एडवांस बाय जो जो कहानी लिखने का मैंने लिख दीजिए सारा कहानी, लेकिन बाय 12 से आपको कहानी लिख के आना पड़ेगा। मतलब कि जर्नल में अगर आप नरेशन नहीं लिख के आएंगे तो क्वेश्चन में तो एक नंबर ऐसे ही चला गया, पहले ही माइनस कर लीजिए। ठीक है, जो आप 11th में मेरे से सीख लिए थे, ठीक है, बस ऐसे लाइन खींचे दो इंच तो चल दिया आगे। ठीक है, उस चीज को दोबारा से वापस कर लीजिए। यू हैव टू राइट द नरेशन विथ एवरी जर्नल। मैंने एक दिन बोल दिया तब पूरे साल नहीं बोलूंगा। ठीक है, आपको जर्नल में नरेशन लिख के आना पड़ेगा, जो मैंने 11th में आपको मना कर दिया था लिखने से, 12th में लिखना पड़ेगा। आइए भैया आगे बढ़िए, सेकेंड नंबर चलिए। सेकेंड नंबर एंट्री बताइए, अब क्या होगा? लोन का पैसा तो आ गया, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री बताइए। इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन लिखने का जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल भी लोन लिख सकते हैं, वही बात हो, लोन चलेगा नॉर्मल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूरे साल का होगा पूरे साल का ब्याज निकालेंगे, छह महीने का होगा छह महीने का निकालेंगे, तीन महीने का तीन महीने का निकालेंगे, इसमें कोई कठिनाई आ जाएगी नहीं आएगी। यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई पूरे साल का है तो कितना रुपया निकाल लेंगे ब्याज, 12,000 रुपया। यहाँ कभी खेल गया, यहाँ कभी खेल गया, यहाँ कभी बोलता है, मतलब कि जो भी अकाउंट्स के जो लोग हैं महारथी लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं आउटस्टैंडिंग लोन मत दिखाइए। ठीक है, आप क्या कीजिए, यहाँ आप अगर नॉर्मल 11th के हिसाब से एंट्री करते तो आप ये एंट्री करते। ठीक है, यही एंट्री करते, मतलब क्या इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट ड्यू की, तो यही एंट्री होती है भाई साहब। लेकिन यहाँ कभी खेल कि भैया सीधे कीजिए कि वाई का जो लोन चल रहा था ना वाई के लोनी में टोक दे। अब आप सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछिएगा, ठीक है, आपका क्वेश्चन तैयार है मेरे पास, हमको पता है कि सर दोबारा जब आप इंटरेस्ट निकालिएगा तो गेम हो जाएगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हो जाएगा, समझ आ रहा है ना? गेम कैसे हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जैसे ही हम 12,000 रुपया लिख देंगे, ठीक है, आपको भाई वाई के लोन का अमाउंट बढ़ गया, वाई का लोन पहले से 2,00,000 क्रेडिट था, आपकी 12,000 क्रेडिट और हो गया, तो अब वाई का लोन टोटल अगर कोई बोले, सबको समझ में आ रहा है ना, बहुत तेज नहीं जा रहे हैं, स्पीड ठीक चल रहा है ना? ठीक है, तो 2,12,000 अब अगले साल कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को बोलेगा तो अपन तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 2,12,000। ठीक है, तो ये अभी इस पर हम डिस्कशन तुरंत कर लेते हैं, ये हम पहले ड्यू का एंट्री तो यही करना पड़ेगा, उनको हम यही एंट्री करेंगे। ठीक है, आइए, बहुत सारी चीजें जिसका हम जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, यहाँ भी और कंपनीज एक्ट में, क्योंकि जब एक्ट आ जाता है ना तो टीचर पढ़ाने वाला बड़ा शांत हो जाता है। ठीक है, सब चीज को हम ले जाके कहाँ थोप देता है, कानून कहता है, लॉ कहता है, सेक्शन कहता है, क्लॉज कहता है। ठीक है, यहाँ पे पार्टनरशिप के लोन का जो एडजस्टिंग ट्रीटमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट वो यही कहता है। एक एक एंट्री और कर रहे हैं तो सारा चीज खत्म हो जाएगा। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, चले यहां तक करें। थर्ड एंट्री, अब तो आप राहत की सांस देंगे। अमाउंट 12,000 लिखा होगा। अब आपको कोई कठिनाई है? आपको कोई कठिनाई नहीं है? क्यों कठिनाई नहीं है भाई अनुज, कठिनाई का नहीं है? क्लियर हो गया इंटरेस्ट, क्लियर हो गया इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। कहने का मतलब है 12th में बहुत सारी ऐसी एंट्री आपको करनी पड़ेगी जो पहले आपको ड्यू करनी पड़ेगी,
और फिर बाद में आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा, पे करनी पड़ेगी। ट्वेल्थ में क्या, अब आप आगे चल के जिंदगी में जब भी आप प्रैक्टिकली एंट्री करेंगे, जब भी ठीक है, आपको एक कंसेप्ट हमेशा दिमाग में रख लेना पड़ेगा कि मान लो कि मैंने इसको अगर सैलरी भी दी है तो पता है पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले ड्यू करना पड़ेगा इसका, क्या एंट्री करनी पड़ेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जो भी पर्सन उसका अकाउंट डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा, और फिर सेकेंड एंट्री में क्या करना पड़ेगा, दैट पर्टिकुलर पर्सनल अकाउंट को डेबिट करके और बैंक से उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक नई चीज है जो ट्वेल्थ के अकाउंटिंग कंसेप्ट में आपके साथ में जुड़ गई है। वो क्या जुड़ गया है, हर एक्सपेंस को पहले आपको ड्यू करना पड़ेगा। आप लोग इलेवेंथ में क्या एंट्री करते थे, सीधे एंट्री करते थे ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये वाला ड्यू बेसिस पे आपको एंट्री करना सीखना पड़ेगा हर चैप्टर में, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो डिबेंचर हो, चाहे वो रिडम्पशन हो, हर चैप्टर में पहले मैं आपसे ड्यू करवाऊंगा, एंट्री ड्यू होगी, पार्टी क्रेडिट होगा, और देन फिर पार्टी को पेमेंट करके पार्टी डेबिट होगा, और फिर बैंक से पैसा क्या होगा, बैंक से या कैश से पैसा जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज यू फॉलो अप्रूवल कंसेप्ट, आप अप्रूवल कंसेप्ट फॉलो करते हैं, पहले आप अप्रूव कराते हैं फिर आप पे करते हैं। अगर बेटा अकाउंट की काउंटिंग पीरियड चेंज हो गया तो अगर 31 मार्च को ये एंट्री हुई ठीक है, द आउटस्टैंडिंग को नहीं दिखता है, जो आउटस्टैंडिंग क्यों नहीं लिखते हैं, अब आउटस्टैंडिंग क्यों नहीं लिखते हैं बेटा, इसके पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं है, आप चाहे आउटस्टैंडिंग में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है कि हम वाई का लोन अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, मतलब इसके इसके पीछे कोई लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है। आप चाहे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दीजिए और बाद में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को पेमेंट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्योंकि सीबीएसई ये गाइडलाइन देता है कि भैया यहाँ पे आपको इस तरीके से एंट्री करनी पड़ेगी, और साथ में पार्टनरशिप एक्ट भी यही गाइडलाइन देता है कि यहाँ पे आपको पहले लोन अकाउंट को क्रेडिट कराइए, फिर लोन अकाउंट को डेबिट करा करके पेमेंट कराइए, यही रीजन है कि हम लोग ये काम करते हैं, वरना तो अगर आउटस्टैंडिंग को भी क्रेडिट करेंगे तो क्या ही दिक्कत है। अगर मान लो 31 मार्च को आपने इंटरेस्ट को आउटस्टैंडिंग किया, बैलेंस शीट में कैरी किया, कहाँ कैरी करेंगे, बैलेंस शीट किस जगह कैरी करेंगे, बैलेंस शीट कैरी करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल पेमेंट करके, कोई प्रॉब्लम हो रही है उसकी, इतना कंसेप्ट तो आपका स्ट्रॉन्ग है ना, आपको कहीं दिक्कत आने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ अकाउंटिंग एंट्री आपको जो लिखना पड़ेगा यहाँ पे वो ये, तब तो ये necessity होगा कि next year के interest लगने से पहले आपको कुछ बिल्कुल necessity होगा कि next year का interest लगने से पहले हम ये payment करके set off कर दें, वरना मेरा double counting हो जाएगा interest के ऊपर interest, ठीक है, benefit फिर benefit partner को मिल जाएगा, ठीक है, और हर partner चाहेगा कि मेरा payment delay हो, ठीक है, form चाहेगी payment जल्दी से जल्दी हो जाए, और कोई और तो यहाँ पे बात समझ में आती, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हर पॉइंट पे ड्यू क्यों करते हैं, डायरेक्ट पेमेंट क्यों नहीं कर देते हैं, बिकॉज आपको आगे चल के पार्टी से पेमेंट करना पड़ेगा, एक बार अप्रूवल कंसेप्ट कहता ही यही है कि कोई भी एक्सपेंसेस हो, कोई भी इनकम हो, आपको पहले उसको ड्यू करना पड़ेगा और फिर उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, या रिकवर करना पड़ेगा जो भी हो, अगर कोई इनकम भी आएगा तो पहले हम इनकम को ड्यू कराएंगे और फिर उसके बाद इनकम को क्या करेंगे, रिसीव, हर जगह। अब अभी यहाँ से लेकर के आप इस चीज की आदत बना लीजिए, जब तक आप अकाउंटिंग में होंगे आपको ऐसी ही एंट्री करने को मिलेगी, और अगर ऐसे एंट्री नहीं हो रही है तो ऑडिटिंग में सबसे पहला दिमाग जाएगा कि अप्रूवल कंसेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे हम अपनी बुक्स की अकाउंटिंग करेंगे, किसी को अपना मेरे पास में नहीं है इस वाले लैपटॉप में, हम आपको लेके आएंगे अपना पीवीटी का आपको अकाउंट दिखाएंगे, तो जो भी अकाउंटिंग होती है, ठीक है, जो एक्चुअल अकाउंटिंग नहीं होती है, जो भी अकाउंटिंग होती है ठीक है, उसके अंदर ड्यू कराने की एंट्री हो गई, ठीक है, मतलब कि एक्स के पास में 1200 रुपया क्या हो गया, ड्यू हो गया। अब ये एंट्री किस दिन करते होंगे हम लोग, ये एंट्री करते हैं हम लोग फर्स्ट डे ऑफ मंथ, अक्रूअल एडवांस मैसेज पे एंट्री होगी, ठीक
ठीक है, और इसको रिसीव कब करेंगे, तो 20 से लेकर 20 के बीच में अकाउंटेंट को जिस दिन मंथ तक उसी को उसका बनाना है, तो जितना वो जिस दिन डेट को डालेगा वो दिन रसीद काटे ताकि रजिस्टर हो सके बच्चा, ताकि रजिस्टर हो सके। अब यहाँ एक्स को यहाँ जो डेबिट किया गया है, ये जो नेक्स्ट एंट्री होगी उसमें क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, ठीक है, एक्स से एक्स क्या हो गया कट गया, एंट्री बुक्स में क्या रहेगी, बुक्स में एंट्री रहेगी कैश अकाउंट डेबिट टू। लेकिन जब हम पार्टी का लेजर खोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मानो मैंने लेजर खोला, ये एक्स का लेजर खोला, तो अपने को दिखाई देगा कि ये ड्यू हुआ, उसके अगेंस्ट में ये पेमेंट हुआ, फिर ड्यू हुआ, फिर पेमेंट हुआ, फिर ड्यू हुआ, फिर पेमेंट हुआ, बात समझ में आ रही है। दो एंट्री दिखाई देगी, एक डेबिट में एंट्री दिखाई देगी, डेबिट में हर ड्यू एंट्री दिखाई देगी एक्स के लेजर में, ठीक है, 1200 हर मंथ में, और क्रेडिट में वो पार्टी कैंसिल होगा। कैसे कैंसिल किया जाएगा, ध्यान से समझना, ये ड्यू, अच्छा ये पेमेंट हो गया, ये ड्यू, अच्छा ये पेमेंट हो गया, ये ड्यू, ये देखो पेमेंट हो गया। और अगर मान लो मैंने नीचे ये ऐसे कर दिया, इसका मतलब ये ड्यू पेमेंट हो गया, ड्यू पेमेंट हो गया, ड्यू पेमेंट हो गया, अरे ये वाला ड्यू अभी पेमेंट नहीं हुआ, मतलब उसका एक महीने का पेमेंट क्या है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी वजह से हमेशा अकाउंटिंग एंट्रीज जो होती हैं वो ड्यू बेसिस पे होती है, हमेशा ड्यू बेसिस पे होती है। अगर आप ड्यू बेसिस पे एंट्री नहीं कीजिएगा तो पहला ऑडिटर रिमार्क जाएगा कि आपका बुक्स अक्रूअल बेसिस पे बनाया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये आपने ड्यू करी एंट्री, उसके बाद आपने पेमेंट कर दिया इंटरेस्ट का, और लास्ट एंट्री होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी एक्सपेंसेस और जितने भी इनकम्स होते हैं वो लास्ट में कहाँ जाकर ट्रांसफर होते हैं, कहाँ ट्रांसफर होगा, तो अगर एक्सपेंस ट्रांसफर होता है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट होता है, सबको समझ में आ रहा है, एक्सपेंस ट्रांसफर होता है पीएनएल अकाउंट डेबिट होता है। और टू, आपने कौन सा एक्सपेंस ऑन कर रखा था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का पूरा टॉपिक था, देखिए तुम उसके लोग समझ में आने में कठिनाई है। 11th में जो जर्नल एंट्री पढ़ा होगा, 12th में वो मजा करे, कुछ इसमें कंफ्यूजन, कोई पॉइंट में कंफ्यूजन, लोन आया, लोन हमने ड्यू, लोन आया, इंटरेस्ट ड्यू किया, इंटरेस्ट पेमेंट किया, अपने खर्चे को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब इसमें 3 महीने का इंटरेस्ट हो, 30 दिन का इंटरेस्ट हो, 15 दिन का इंटरेस्ट हो, कितना भी हो, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। आगे जहाँ भी ये कंपोनेंट आएगा बुक में हम लोग उसको टिक कर लेंगे, उसके इंस्ट्रक्शन देख लेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कि आगे का एक टॉपिक मैंने यहाँ पे राइट के साथ में कवर कर दिया, ठीक है। चलिए आगे एक पॉइंट देख लेते हैं, राइट में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और इमरजेंसी में सिचुएशन बदल जाए, हाँ अगला राइट समझिए, एक्स है, वाई है, ठीक है, एक्स और वाई है। जैसे मेरी पार्टनरशिप फॉर्म पहले थी, ठीक है, मैं था और सर थे, चलिए इसी को समझते हैं, ए थे, पी, ठीक है। तो क्या होता, हम लोग मूवी देखने जाते, खर्चा कहाँ टिकाया जाता, खर्चा कहाँ जाता, मीटिंग एक्सपेंस, तो हम लोग मूवी देखने गए, दोनों लोग मिलकर क्या सीन है कॉलेज, ठीक है, 400 की मूवी, 200 का खाना, अरे 400 का खाना, चलो यार 800, ठीक है, ये 800 रुपया खाता में कहाँ जाएगा, मीटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये 800 रुपया पी ने बोला कि तुम्हारे पास तुम ही फाइनेंस में पेमेंट कर, ठीक है, तो मैंने अपने पॉकेट से ये 800 रुपया क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब ये पेमेंट
कहाँ किसके बिहाफ पर आप वैसे पर्सनल, लेकिन हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको कहाँ लेके जाने वाले, फर्म के खर्चे में लेके जाने वाले। तो ये फर्म का खर्चा दोनों पार्टनर का म्यूचुअली एग्रीड है, दोनों पार्टनर इस बात से राजी हैं कि भाई ये खर्चा कहाँ जाएगा, फर्म की बुक्स में जाएगा। लेकिन ये 800 का पेमेंट अभी मैंने जो किया है ये मैंने अपने पॉकेट से कर दिया, ठीक है, मैंने अपने एटीएम कार्ड से पेमेंट कर दिया, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये 800 रुपया मेरा राइट बनता है कि मैं फंड के अमाउंट से क्या करूं, ले लूं। ये है वो राइट जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, राइट टू बी इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस व्हिच हैज बीन डन बाय योर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ये किस्सा आपने दिमाग में रख लिया। आइए अब अगला किस्सा, तब दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। क्या हो गया फिर हम दोनों उसमें और हमारी फॉर्म, ठीक है, क्या हो गया, सर 10 बजे घूम ले बाहर, ठीक है, मोबाइल भी इनका स्विच ऑफ, इस बीच में क्या हो गया शाम, प्लीज, इस बीच में कोई एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गया, ठीक है, जो मुझे लगा कि बहुत बढ़िया है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे जो लगा कि बढ़िया है वो हो गया। अब मैंने प्लीज प्लीज कंसेप्ट लो बेटा, कंसेप्ट लो, भावनाओं में, ठीक है। अब मैंने पी को एक बार फोन लगाया, फोन किया था, तो वो जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे एक मीटिंग करनी थी, ठीक है, मीटिंग में लगभग 2000 रुपए का खर्च होना था, ठीक है, पी को बिना बताए मैंने ये 2000 रुपया खर्च कर दिया, ठीक है। जब पी का मोबाइल ऑन हुआ उसने नोटिफिकेशन देखा, उसने मुझे रिंग बैक, मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे फलाना फलाना मीटिंग थी, रॉयल कलर में 2000 रुपया खर्चा हो, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है भाई तुम ले लो अपने फोन। ये हो गया क्या, इमरजेंसी के केस में अगर पार्टनर्स अवेलेबल नहीं है तो अपने ओन जजमेंट पे अगर किसी पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया है और उस डिसीजन को लेने के टाइम में कोई पैसा उसका लगा है, पर्सनल पैसा लगा है, तो वो इंडेमनिफाई कर सकता है, ये राइट है उसका कि फर्म से वो पैसा क्या करेगा, लेगा, रिकवर करेगा। ये उस पॉइंट में और जो मैंने पॉइंट लिखा था दोनों में डिफरेंस, ठीक है, एक जगह कंसेंट होता है, दूसरी जगह सामने वाले पार्टनर को पता नहीं होता है, तभी तो लिखाया गया है ना अकॉर्डिंग टू द ओन जजमेंट ऑफ अ पार्टनर, मतलब वो जज करता है, उसको सिचुएशन ठीक लगता है, वो क्या कर लेता है, वो डिसीजन ले लेता है, डिसीजन में जो खर्च होता है वो खर्च उसका अधिकार बनता है कि फर्म से वो पैसा करे वापस ले। क्या यहाँ तक आपको कोई कठिनाई है समझने में, नहीं है, आगे बढ़ो। यहाँ तक पॉइंट आपका क्लियर हो गया, जो पॉइंट मैंने लिखवाया था वो पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद नीचे देखिए, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म गिविंग अ प्रॉपर नोटिस, बोलता है कि हर पार्टनर का अधिकार है कि वो जब चाहे पार्टनर्स बाकी पार्टनर्स को नोटिस दे करके फर्म से रिटायर हो सकता है। आपका पहला क्वेश्चन कि क्या अगर कोई फर्म से रिटायर होना चाहता है और बाकी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नहीं चाहते हैं कि वो फर्म से रिटायर हो तो क्या उसको रुकना पड़ेगा, नहीं उसको रुकना नहीं पड़ेगा, उसने अगर प्रॉपर नोटिस दिया है और प्रॉपर नोटिस कितने दिन पहले देना है ये कहाँ लिखा हुआ होगा, पार्टनरशिप डीड में, ठीक है, पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं लिखा हुआ है कि कितने दिन पहले नोटिस देना जरूरी है रिटायरमेंट का, तो रिटायरमेंट की नोटिस 30 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट देना प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल सिनेरियो में अगर किसी पार्टनर को रिटायर होना होता है तो कम से कम 30 दिन पहले वो नोटिस देगा रिटायरमेंट के पहले। ऐसे अगर आपके पार्टनरशिप डील में कोई बात लिखी हुई है तो वो बात चलेगी कि कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर के रिटायरमेंट का डिनायल नहीं कर सकता है, ये उस पार्टनर का अधिकार है कि उस पार्टनर को रिटायर होना है तो वो रिटायर होगा। यहाँ तक समझ में, तो पार्टनरशिप फॉर्म से पेंशन भी है,
पार्टनरशिप फॉर्म से पेंशन का कोई क्लॉज नहीं, कोई क्लॉज नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म से एक क्लॉज है, एंडाउमेंट का क्लॉज है। उस केस में जब कोई पार्टनर डेथ करता है तो डेथ से पहले अगर पार्टनरशिप फॉर्म में कोई एक ऐसा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टनर जो लीगल असेंडेंट होंगे उस पार्टनर के उनको एक मंथली फीस दी जाएगी, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर इतने सालों तक, तो वो पैसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन रिटायरिंग पार्टनर को पेंशन का क्लॉज प्रैक्टिकली भी हमने नहीं देखा है कि मुझे नहीं मिलता हो, ठीक है। और ऐसे पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कोई सिस्टम रिटायरमेंट का नहीं, ठीक है। उसमें तो फॉर्मेशन का क्लॉज होगा अगर पार्टनरशिप, अगर उससे पहले पार्टनरशिप ब्रेक करना चाहे तो उसका भी क्लॉज आपको पार्टनरशिप कि अगर एक पार्टिकुलर वेंचर के लिए हमने जो पार्टनरशिप करी है, सुन लो ना, क्वेश्चन बढ़िया है, आ जाएगा तो का करने लगोगे, ठीक है। बोलते हैं कि अगर कोई पार्टनरशिप और पीरियड हुई है एक पार्टिकुलर वेंचर प्रोजेक्ट के लिए हुई है या एक पार्टिकुलर पार्टनरशिप है जो पीरियड पार्टनरशिप है, उस पार्टनरशिप को अगर पीरियड से पहले ब्रेक करना है तो आपको उसके पार्टनरशिप डीड बनाते टाइम में क्लॉज लिखना पड़ेगा कि कैसे, ठीक है, वो कैसे ब्रेक करेगा। और अगर कुछ कंपल्सरी कंडीशन हैं, जिन कंपल्सरी कंडीशन को हम लोग रिजोल्यूशन के अंदर पढ़ेंगे, अगर वो कंडीशन आ जाते हैं तो पार्टनरशिप को अपने आप ही आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कंडीशन जो है सारे सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोग रिजोल्यूशन के अंदर पढ़ेंगे। उसमें हम आपको बताएंगे कब कंपल्सरी क्लोजर होता है, कब कोर्ट क्लोज करा देती है, कब पार्टनरशिप को क्लोज करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं भी लिखी हुई है लेकिन अगर वैसी घटना हो जाती है तो पार्टनरशिप को बंद करना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में नहीं पड़ती, ठीक। इसमें और कोई डाउट यहाँ तक जो पॉइंट आपको पढ़ा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो अपना दो पॉइंट क्लियर हो गया है। पहला पॉइंट अपना फीचर्स क्लियर हो गया, फीचर्स के अंदर जो भी पॉइंट थे ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। दूसरा अपना राइट क्लियर हो गया। तीसरा, आप अपने को लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स पढ़ना है तो आप दो तीन पॉइंट नोट कर लीजिए। लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर में आप अपने बुक में दो तीन पॉइंट नोट कर लीजिए, मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। नोट कीजिएगा लाइबिलिटीज टू अ पार्टनर, नोट कीजिएगा लाइबिलिटीज टू अ पार्टनर। देखिए, इफ अ पार्टनर, छोटा छोटा लिखिएगा बुक में अगर लिखना है, लाइबिलिटीज टू अ पार्टनर। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस, carries on a business of similar nature, if a partner carries on a business of a similar nature that of a firm likh liya, and providing competition to the firm, देखिए ये कॉमा देके लिखिएगा, then profit earned from such business to be given to the firm. क्या हुआ आपके पास लीक नहीं? वो क्या लिख गया फॉर्म? चलिए, अब इस पॉइंट को समझ लीजिए। ये एक स्पेशल लाइबिलिटी है जो कि एडमिट की गई है, मेंशन की गई है। कहाँ मेंशन है? पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन है ये लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी कहती क्या है? अच्छा, क्या कहता है समझो, तो देखकर क्या लिखता है सब, क्या कहता है फिर हम समझा देंगे अगर आपको नहीं समझ आए। कुछ कुछ खुद भी पढ़ना बताओ, शेयर करें। वो फॉर्म को ट्रांसफर कर देना,
बता रहे हो सारा कंडीशन बता रहे हैं ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि पार्टनर जो बाकी पार्टनर्स है वो अलाउ ही क्यों करेंगे कि आप वही काम दोबारा कीजिए, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि जब एक पार्टनरशिप फॉर्म चली रही है वो पार्टनर्स में एक्टिव मेंबर है तो उसके पास टाइम ही काम बचेगा तो दूसरा काम करेंगे। बहुत सारे आपके क्वेरीज यहाँ आ सकते हैं, पहले समझिए कि पॉइंट क्या कह रहा है। क्वेरी के लिए तो मैं ठीक है दिक्कत नहीं। पॉइंट ये कहता है कि भाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक लाइबिलिटी एडमिनिस्टर करता है पार्टनर की। बोलता है कि अगर एक पार्टनर एक पार्टनरशिप फॉर्म का एक व्यक्ति अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर है और वो पार्टनरशिप फॉर्म जो काम कर रही है जो बिजनेस कर रही है अगर वो व्यक्ति इंडिविजुअली भी वही सेम काम करता है और इस तरीके से करता है कि वो पार्टनरशिप फॉर्म को कंपटीशन दे रहा है, मतलब बड़ा वेग सा कंटेंट है। वेग सा कंटेंट इसीलिए है कि मतलब एक तो मैं किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हूँ और वो पार्टनरशिप फॉर्म भी वही काम कर रही है और मैं इंडिविजुअली भी वही काम वहीं पे कर रहा हूँ, क्यों करूंगा? पहले तो क्वेश्चन आपका ये रूप पे आ जाएगा, पहले तो सेंटेंस समझ लीजिए। तो अगर ऐसा कोई काम वो व्यक्ति कर रहा है तो उस बिजनेस एवेन्यू से उस व्यक्ति को जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो सारा प्रॉफिट उसको पार्टनरशिप फॉर्म को ट्रांसफर कर देना होगा। पहली तो बात ये, दूसरी बात ये कि सर पता कैसे चलेगा, तीसरी बात ये कि सर वो करेगा क्यों ऐसा काम, चौथी बात ये कि सर बाकी पार्टनर्स मूर्ख हैं क्या, पांचवी बात ये ठीक है, मतलब कि सारे निगेशंस लायबिलिटी के अंदर आ जाते हैं। लेकिन देखो क्या एक्ट है ना, तो एक्ट सारी बातें सोच के काम करते हैं ठीक है। तो ये एक लायबिलिटी एडमिनिस्टर कर रखी है, बहुत ही नॉमिनल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है तो वो वही सेम तरह का धंधा इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर करेगा भी, मान लिया अगर करेगा भी तो वो फर्म के बगल में नहीं करेगा ठीक है, और फर्म को कंपटीशन नहीं देगा बिकॉज इसमें उसका ही लॉस है। बात समझ में आता है? तो अगर ऐसा कुछ होता है इनकेस दिस एग्जिस्ट, अगर ऐसा एग्जिस्टेंस में होता है तो उस बिजनेस से कमाया हुआ सारा का सारा मुनाफा उस पार्टिकुलर व्यक्ति को फर्म के नाम ट्रांसफर कर देना पड़ेगा, कोई तो करेगा ठीक है। तो नहीं करेगा तो बहुत ही प्रैक्टिकल से थियोरेटिकल सा पॉइंट है, लेकिन समझाना जरूरी था इसलिए मैंने आपको समझा दिया बिकॉज बेयर एक्ट में लिखा हुआ। इसका कैपिटल बढ़ जाएगा, उसको मिलेगा ना, बाकी तो उसके दूसरे पार्टनर से शेयर हो जाएगा। कोई भी प्रैक्टिकली ये काम करेगा ही करेगा ही नहीं, बिजनेस ही नहीं, सारा प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा तो कोई ये काम क्यों करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि बगल में तुम्हारी पार्टनरशिप की गारमेंट्स की दुकान है, नहीं लॉस नहीं ट्रांसफर करना पड़ेगा, सिर्फ होता है द प्रॉफिट व्हिच हैज बीन अराइज्ड यू ठीक है। तो मतलब ऑब्वियसली बात है तुम्हारा इस पट्टी में एक सड़क जा रही, मान लीजिए कल्याणी है, कल्याणी में एक एक तरफ तुम्हारी पार्टनरशिप फॉर्म है और ठीक सामने तुमने अपनी काम गारमेंट्स की शॉप खोल रखी है, कौन रोक इसमें कोई फायदा होगा किसी को? मुझे प्रैक्टिकली जितना मेरा बिजनेस सेंस कहता है कोई फायदा नहीं होगा ठीक है। तो ऐसा ये बस एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट लाइबिलिटी में लिखा हुआ था, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। दूसरा सब्जेक्टिव कंसेप्ट थोड़ा सा ठीक है, उसको देख लीजिए, उसको लिख लीजिए, एक और लाइबिलिटी है उसको लिख लीजिए, एक और लाइबिलिटी इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज कर लीजिए नोट डाउन ठीक है। इफ अ पार्टनर, ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल लगेगा ठीक है, ये प्रैक्टिकल लगेगा, इसको लिखिए। इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट, इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट from the, if a partner earns profit from the transaction, if a partner earns profit from the transaction, comma, property, comma, business connections, of the firm, comma, then the profit so arrived by the individual partner will have to be shared by
will have to be shared with, will have to be shared with, will have to be shared with the firm. क्लियर है? चलिए इसका एक सिंपल एग्जांपल आपको दे देते हैं, तुरंत आपको क्लियर हो जाए. मान लो क्या हुआ, मान लो कि हर्ष का, अर्पित का और केबरेवाल सर का तीनों का मिला करके एक टूर एंड ट्रैवल एजेंसी चल रहा था. इन तीनों का मिलाकर टूर एंड ट्रैवल एजेंसी चलता था. हर्ष का एक और फ्रेंड को शराब, ठीक है, शराब की शादी. चिराग की शादी से, ठीक है, वीडियो में चिराग आ गया है. तो चिराग की शादी थी, चिराग ने हर्ष को फोन किया, ठीक है, चिराग ने हर्ष को फोन किया और बोला भाई मेरे को एक लैम्बोर्गिनी चाहिए. अब तो इसने अर्पित को और टिब्रेवाल को खबर नहीं लगने दिया, ठीक है, और उस वाले लैम्बोर्गिनी को एक दिन के लिए किसकी देख दिया, चिराग, और बदले में चिराग से बोला भाई पूरा टाइट इंतजाम करना, ठीक है, और साथ में बोला कि भाई लैम्बोर्गिनी है तो ऐसा करना कि मतलब कुछ पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना, पर्सनल मत करना, ठीक है, पार्टनरशिप वाले फर्म के अकाउंट में मत करना. मतलब पार्टनरशिप के एसेट से किसने फायदा उठाया, एक पार्टनर ने फायदा उठाया, और अगर ये बात बाकी पार्टनर्स को पता चल गई तो उस फायदे का पूरा जितना भी प्रॉफिट था सारा का सारा प्रॉफिट हर्ष को किसने शेयर करना पड़ेगा, फर्म को पता चलेगा. तो ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है कि पता चला या नहीं पता चला, ठीक है. अगर ऐसा होता है कि पार्टनर ने कोई प्रॉपर्टी यूज की तो उसमें तीन बातें लिखी हुई है, प्रॉपर्टी भी लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, बिजनेस कनेक्शन भी लिखा हुआ है. बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या कि बिजनेस के रेफरेंस से इसने कोई अपना पर्सनल फायदा कर लिया या इसने कोई ट्रांजेक्शन में कमीशन खा लिया, पॉसिबल, ठीक है. इसने किसी सप्लायर को बोला तुमसे ही सामान लेंगे, तुमको 2% आपको पर्सनल देना पड़ेगा, ठीक है. तो ऐसा अगर फर्म को पता चलता है तो उस केस में इसको अपने पर्सनल बेनिफिट्स फर्म के साथ में क्या करने पड़ेंगे, शेयर करने पड़ेंगे. क्लियर है यहाँ तक बात, कोई दिक्कत समझने में? तो ये दो लाइबिलिटी. सेकंड वाली लाइबिलिटी बहुत प्रैक्टिकल है, ऐसा हो सकता है, ठीक है. फर्स्ट वाली लाइबिलिटी बहुत ज्यादा ही वेग है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं. यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में? आई अब आप लोग एक कंसेप्ट समझेंगे, जरा जरा ध्यान से समझेंगे, कल उसको समझाने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा. तो अभी हाफ एन आवर में हम वो पूरा पॉइंट आपको समझाएंगे, जो हम यहाँ लिखेंगे आप प्लीज नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन करके समझ लेंगे और समझ करके भूल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है. तो हम पढ़ा इस वजह से रहे हैं बिकॉज बेटा बुक में लिखा हुआ है, तो पढ़ाना मेरी मजबूरी हो जाएगा, ठीक है. और क्योंकि बुक में लिखा हुआ है और जिस हिसाब का अभी चल रहा है माहौल सीबीएसई का, कुछ भी हो सकता है. इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, 2 मिनट रुक जाइए. इकोनॉमिक्स के बारे में आपसे क्या डिस्कस करें, बस यही डिस्कस कर सकते हैं कि 10 साल में जो क्वेश्चन हमेशा आता था वो इस साल नहीं आया है, ठीक है, जिसका नाम है नेशनल इनकम. जी, ठीक है. इन योर इकोनॉमिक्स पेपर देयर इज नो न्यूमेरिकल ऑफ नेशनल इनकम, कोई न्यूमेरिकल नहीं है नेशनल इनकम का. तो पेपर बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, पेपर ऐसा अनप्रेडिक्टेबल है कि मार्केट में जो सिर्फ कंसाइजली इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले टीचर लोगों ने उनका होस्ट हुआ होगा, ठीक है, बिकॉज पेपर में एक भी पॉइंट, एक भी टर्म, ठीक है, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो कि पीछे 10 साल के फॉर्मेट को अटैच करती हो. पेपर वॉज वेरी इजी, बहुत इजी था पेपर. पेपर इतना इजी है कि मतलब 100 नंबर का तो बाहर लग जाएगा, ठीक है, लेकिन पेपर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है. वो सारे टॉपिक जो वीवीआई टॉपिक थे, वीवीआई टॉपिक थे, 444 स्टार टॉपिक था, उसमें से क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है. और जो इजीएस्ट वन टॉपिक्स थे, मतलब कि अगर वहां पे हम देखें तो बैंकिंग के चैप्टर में हम आपको 3-4 दिन में, नेक्स्ट वीक में जो हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, भरा हुआ है पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है. अभी हम देखते हैं 2 मिनट, पहले अभी गार्डनर वर्सेस मरे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है. एक टॉपिक है आप डीके गोयल में देखेंगे जहां पे आपको
पार्टनरशिप डीड पढ़ना है, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है तो ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर ले, बाकी जो इसका थोरो डिस्कशन होगा वो कल की क्लास में जाएगा। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है जो कि पार्टनर आपस में साइन करते हैं, ठीक है, जिसके हिसाब से पार्टनरशिप फॉर्म चलती है, इसी को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जिसका कि दूसरा नाम पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। उसमें एक कंसेप्ट अपने को पढ़ना है, गार्नर वर्सेस मरे, इसको देख लीजिएगा ये क्या है कंसेप्ट, गार्नर वर्सेस मरे। जून 1900 का ये केस है और इंग्लैंड का केस है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे जो भी फिगर्स लूंगा, नाम वही लूंगा, गार्नर मरे और विल्सन, ठीक है, लेकिन जो फिगर्स लूंगा वो फिगर्स मैं पाउंड में नहीं लेकर के करेंसी में लूंगा। समझाना आपको बस मेरा यहाँ पे लॉजिक है कि कैसे क्या होता है, ठीक है। ये वाला गार्नर वर्सेस मरे पहले अपने बुक में लोकेट कर लीजिए, पार्टनरशिप डीड में जहाँ पे आपका डिसोल्यूशन से रिलेटेड पॉइंट होगा वहां पे गार्नर वर्सेस मरे लिखा हुआ होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 16, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स दिए होंगे, कंटेंट्स का पॉइंट नंबर 16 मतलब होता है, जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मतलब क्या हो रहा है, क्रिकेट का मैच हो रहा है, ठीक है। वर्सेस का मतलब होता है जब दो पार्टी एक दूसरे के साथ में समन्वय नहीं बैठा पाती है, मतलब दोनों की बातें क्या होती हैं, अलग होती हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है और झगड़ा कहाँ चला जाता है, झगड़ा चला जाता है माई बाप के पास, माई बाप मतलब कोर्ट के पास, ठीक है, कोर्ट के पास झगड़ा गया। गार्नर और मरे क्या थे, ये दो पार्टनर थे, ठीक है, और इनके तीसरे पार्टनर, कहीं विल्किंस लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, कहीं विलियम्स लिखा हुआ मिलता है, हम लोग विल्किंस पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आप आगे जाइएगा तो इंस्टीट्यूट के जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, ठीक है, सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, सीए इंस्टीट्यूट के मटेरियल में गार्नर मरे और विल्किंस लिखा हुआ मिलता है, तो हम लोग भी गार्नर मरे और विल्किंस पढ़ाते हैं, ठीक है। हम एक इमेजिनरी बैलेंस शीट बना रहे हैं जो पर्पस वही सॉल्व करेगा जो हमको समझाना है, ठीक है, लेकिन वो बैलेंस शीट नहीं है जो एक्चुअल केस में मिली थी। एक्चुअल केस की बैलेंस शीट पॉन्ड में थी, वहाँ 2500 पॉन्ड, 347 पॉन्ड, 256 पॉन्ड ऐसे करके अमाउंट था, वो अमाउंट हम नहीं लिख रहे हैं, हम नॉर्मल अपने करेंसी में फिगर्स लिख रहे हैं, थोड़ी बड़ी फिगर्स लिख रहे हैं कि उनको आसानी हो काम करने में, ठीक है। आइए हम आपसे पहले एक बैलेंस शीट आपको दिखा रहे हैं, उस बैलेंस शीट को आप देखिएगा, बहुत छोटा सा बैलेंस शीट है, कोई फॉर्मेट नहीं ले रहा है, बस ऐसे ही काम कर रहा है। सन्ड्री एसेट लिखा हुआ है, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, काहे नहीं कर रहा भाई, काहे नहीं कर रहा, दीवार में जो सटे उसको नहीं करेगा भाई, सीधा ही था। ये कैपिटल अकाउंट लिखने का तरीका है, अगर तीन बार करोगे तो ऑब्वियसली बात है तीन बार कैपिटल अकाउंट दिखाएगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट मैच करनी है, नहीं भी करेगी तभी करा के आइए, बोर्ड में छोड़ के बता दिए कि जहाँ से बैलेंस मैच नहीं किया उससे जो कोई बात नहीं, ठीक है, बोर्ड में बैलेंस शीट मैच करना चाहिए और कैश फ्लो स्टेटमेंट का फाइनल बैलेंस आना चाहिए, चाहे सही है चाहे गलत है। बस 10 मिनट हमको टाइम दे दीजिए, दस मिनट उसको समझ लीजिए, फिर आप ये बैलेंस शीट थी,
एक पार्टिकुलर फॉर्म थी जिसके तीन पार्टनर थे गार्डनर मरे विल्कन्स, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1:3, 1:1:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यही था, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने लिखा है प्रैक्टिकली भी यही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1:3। इस पोजीशन पे इनकी फर्म डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व होने का मतलब है इनकी फर्म यहां से खत्म, मतलब अब आगे फर्म नहीं चल पाएगी, यहां पे से इनको फर्म को बंद कर देना पड़ा। क्लियर? जब फर्म बंद होगा तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ठीक है। पैसा चाहिए तो भाई एसेट बिकेगा, एसेट को बेचा जाएगा। क्लियर? एसेट को बेचा जाएगा तो ये 60 लाख का एसेट 25 लाख में बिका। ऑब्वियसली बात है, रियलाइजेबल वैल्यू हमेशा एसेट की क्या हो जाती है? घट जाती है। जो बुक वैल्यू होती है उससे रियलाइजेबल वैल्यू घट जाती है, ठीक है। अब भाई दिक्कत क्या आ गई? देखो बाबू पैसा कितना है, एकदम मत जाओ कि क्या सर समझा रहे हैं नहीं समझा रहे हैं, कहाँ का कंसेप्ट है, कब पढ़ना है इसको, हमें अभी क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। सिर्फ समझो कि तुमको समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है, ठीक है। ये आईपीसीसी का कंसेप्ट है, आईपीसीसी ग्रुप वन अकाउंट्स में पढ़ना है, उससे पहले नहीं पढ़ना है, और बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, गार्डनर वर्सेस मरे, ठीक है। 25 लाख रुपया तुम्हारे पास आया, हम लोगों को नहीं समझा रहे, सिंपल धंधा समझा रहे, ठीक है। 25 लाख रुपया आया, क्या 25 लाख रुपये से 30 लाख रुपये का क्रेडिट सेटल हो जाएगा? नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। अपने को कितना का अभी भी एक्स्ट्रा पैसा बच गया? 5 लाख रुपया क्रेडिटर का पेमेंट अभी मेरे पास में ड्यू रह गया 5 लाख रुपये। भाई इसके लिए पैसा चाहिए, पैसा कौन लाएगा? पैसा पार्टनर्स लाएंगे। देखते हैं पार्टनर्स के पास में क्या है। 15-13-2 GMW, इनके पास में कैपिटल के बैलेंसेस 15 लाख रुपया, 13 लाख रुपया और 2 लाख रुपया है। अभी कुछ चीज किसी चीज का डर है, कुछ होगा अभी, ठीक है। क्या होगा देखना, यहां पे एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा। किसका इंसॉल्वेंट होने का चांसेस है? इंस्टॉलमेंट समझते हो ना सब लोग, मतलब उसके एसेट्स कम हो जाएंगे और उसके पास में लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी? ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे देखने से लग रहा है कि फर्म के हिसाब से डब्ल्यू अभी इंस्टॉलमेंट होगा, बिल्कुल अभी डब्ल्यू इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। देखो कैसे इंस्टॉलमेंट होगा, ये इसकी कैपिटल का पोजीशन था फर्म के बंद होने से पहले, और जैसे ही फर्म बंद हुई है सबसे पहले पार्टनर्स को लॉस लगा, ठीक है। 35 लाख रुपए का लॉस लगा। बोलो बाबू समझ में आता है? इसका कॉल ऑफ है, इसको बोलते हैं, इसका जो टेक्निकल टर्म है इसको बोलते हैं लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट। एसेट को जब बेचने चले तो लॉस लग गया 35 लाख रुपए का। कैसे लग गया समझ में आया? कैसे लग गया? 60 का चीज कितने में बिक गया? 25 में बिक गया, तो 35 लाख रुपए का क्या हो गया? लॉस लग गया। लॉस को बियर कराओ, जब प्रॉफिट बियर करेगा तो भाई लॉस भी पार्टनर बियर करेगा। बियर कराओ लॉस किस रेशियो में? 1:1:3 करो। कितना लॉस बियर करना पड़ेगा? 7 लाख और बट्टा डूब गया अगले का 21 लाख, ठीक है। आइए कितना कैपिटल बच गया बेटा, 15 में से 7 गया, कितना बच गया? 8 लाख। कितना गया? 6 बचा। अगला कितना लॉस में चला गया? अगले का डेबिट बैलेंस चला गया 19 लाख रुपए का। क्या तो क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये क्रेडिट बैलेंस है, ये भी क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन ये अच्छा क्रेडिट डेबिट बैलेंस समझ में आता है ना भाई? ठीक है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब कि इतना अभी भी इसका कैपिटल में पैसा है, लेकिन इसका पैसा डेबिट बैलेंस चला गया, मतलब डब्ल्यू इज नाउ कंसिडर्ड एज अ डेटर टू द फर्म। W जो हो गया वो 19 लाख रुपए का डेटर हो गया, और डेटर होने के बाद डूब भी गया, इंसॉल्वेंट भी हो गया। करेक्ट हो रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम है? अब बेटा आस्ती कहां से आस्ती? W से, कि पैसा आएगा, पैसा आ नहीं रहा, अब क्या करें भाई? तो यहीं पर अब झगड़ा शुरू हुआ
और अभी भी पेमेंट करना बाकी है. किसको पेमेंट करना बाकी है? क्रेडिटर्स को पेमेंट करना बाकी है और सामने वाला पार्टी का पैसा डूब गया है. तो अब देखते हैं कि क्या करेंगे कि कुछ पैसा वगैरह आ जाए हमारे पास में ताकि हम पेमेंट कर पाए. अभी हमने 25 लाख रुपए हमारे पास में है क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए. हम और क्या कर सकते हैं? ठीक है. अब दिक्कत ये है कि गार्डनर और मरे ये दोनों पार्टनर कुछ पैसा लेकर के आए, क्योंकि बिल्सी जो है ये तो अब कोई पैसा लेकर के आ नहीं पाएगा क्योंकि ये डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट हो गया है. इसके पास में कोई पैसा अवेलेबल नहीं. तो बोलता है कि डेफिशिएंसी ऑन पार्ट ऑफ, डेफिशिएंसी है ना, डेफिशिएंसी किस वजह से है कि सबसे पहले तो भैया 8 और 6 अभी कितना पैसा चाहिए वो ध्यान से देखना. 8 लाख रुपया निकलता है किसका? पार्टनर गार्डनर का. इसका कितना निकलता है? मरे का 6 लाख. तो 8 + 6 = 14 लाख रुपया. और 5 लाख रुपया अभी और किसको पेमेंट करना है? क्रेडिटर्स को. 19 लाख रुपया कुल चाहिए था और ये अगला 19 लाख रुपए का ही डेबिट बैलेंस के साथ था. मतलब कि ये वाला बंदा 19 लाख रुपया लेकर के आता. यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो, नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, 19 लाख रुपया लेकर के आता तो उस 19 लाख में से 8 लाख ये बाबू साहब ले जाते, 6 लाख रुपया ये बाबू साहब ले जाते और बाकी बचे हुए पैसे से क्रेडिटर का सेटलमेंट होता. बिजनेस एकदम आराम से चोखा क्या हो जाता, बंद हो जाता. अब ये जो डिफिशियंसी होने लगी, अब इस डिफिशियंसी की वजह से किसको किसको दिक्कत आने लगा? गार्डनर और मरे. क्या दिक्कत आने लगा? गार्डनर और मरे कह रहा है कि यार मैंने लॉस भी सह लिया, रियलाइजेशन के लॉस का जो हिस्सा था वो हिस्सा भी हमने सह लिया, अपना कैपिटल अकाउंट कम भी करा लिया. ठीक है, फिर भी अभी और 5 लाख हम दोनों आदमी को मिलके एटलीस्ट किसको चुकाना पड़ेगा? क्रेडिटर को. और उसके बाद जो बचा कुचा कुछ पैसा बचेगा, ठीक है, वो भी पैसा हमारे पास में कुछ नहीं है. क्यों? क्योंकि 25 लाख जो एसेट को बेच के आया था वो तो ऑलरेडी क्रेडिटर को चुकाने में निकल चुका है. अपने पास ठंडन गोपाल पैसा कुछ है नहीं. 5 लाख रुपया एटलीस्ट और चुकाना है और 14 लाख रुपया तो अपना पैसा था वो तो डूब ही रहा है. ठीक है, तो दोनों के बीच में झगड़ा उठा. किस बात का झगड़ा? इस बात का उठा कि भाई ये जो डिफिशियंसी हुई है इसकी वजह से, बिल्किंस के इंसॉल्वेंट होने की वजह से, उस डिफिशियंसी को हम लोग किस रेशियो में शेयर करें? ठीक है, और जब गार्डनर और मरे के बीच में डिफरेंसेस आ गया तो ये कोर्ट के पास चले गए और यही कोर्ट एक केस बन गया, गार्डनर वर्सेस मरे. और गार्डनर वर्सेस मरे का जो हेल्ड हुआ, हेल्ड, ठीक है, एचएलडी हेल्ड का मतलब होता है जो रिजल्ट आया. ठीक है, इसमें कोर्ट ने क्या लिखा? द हेल्ड पॉइंट वाज एनी डिफिशियंसी ऑन अकाउंट ऑफ इनसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर विल बी शेयर्ड बाय द कैपिटल पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशियो जस्ट एट द टाइम बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. क्लियर है? तो जो डिफिशियंसी है वो डिफिशियंसी पार्टनर्स के द्वारा, ठीक है, शेयर कर, कौन से पार्टनर्स के द्वारा? कैपेबल पार्टनर्स के द्वारा शेयर की जाएगी. किस रेशियो में? उनके कैपिटल के रेशियो में. कौन से कैपिटल के रेशियो में? तो उस कैपिटल के रेशियो में जो डिसोल्यूशन के ठीक पहले आया था. कौन सा? अब यहाँ पे फिर दो बात हो गई कि सर कौन सा रेशियो? ये वाला रेशियो, मतलब 15:13 या सर 8:6, जो यहाँ पे दो कैपिटल बैलेंसेस है दिखाई दे रहे ना. एक कैपिटल बैलेंस कौन सा है? जो प्रीवियस बैलेंस, जो डिसोल्यूशन के पहले वाली बैलेंस शीट में है. और दूसरा कहाँ है? जो कि डिसोल्यूशन के पहले का एडजस्टमेंट करने के बाद में है. तो द रेशियो विल बी ऑफ द कैपिटल अकाउंट विच विल बी हेल्ड आफ्टर द एडजस्टमेंट्स विच आर टू बी टेकन इन डिसोल्यूशन. जो डिसोल्यूशन के अंदर एडजस्टमेंट लेने के बाद कैपिटल का अमाउंट बचेगा, उसकी जो रेशियो निकलेगी, उस रेशियो में गार्डनर वर्सेस मरे के डिसीजन के हिसाब से जो डेफिशिएंसी होगी वो कौन लेके आएंगे? कैपेबल पार्टनर्स लेके आएंगे. ठीक है, अब ये बात क्या है?
ये ऐसा तुम्हारी बुक ने क्यों लिख दिया गार्डनर वर्सेस मरे, वहां पे एक पॉइंट था कि डिसोल्यूशन जो होगा, डिसोल्यूशन जो होगा और अगर पार्टनर को इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, तो या तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि किस रेशियो में डिफिशियंसी का पैसा आएगा, मतलब कि पार्टनर्स ये डिसाइड कर लें खुद में कि अगर कोई एक पार्टनर या कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है उसके वजह से जो कैपिटल में कमी आती है वो पैसा हम लोग इसी रेशियो में बांटेंगे, या तो रेशियो डिसाइड कर लें, या तो रेशियो डिसाइड कर लो 2:1, 1:1, 3:1, 4:1, जो भी रेशियो डिसाइड करना है कर लो, और करके वो रेशियो कहाँ लिख दो, पार्टनरशिप डीड में लिख दो। और अगर आपने रेशियो नहीं लिखा है पार्टनरशिप डीड में और डिसोल्यूशन हो जाता है आपकी फर्म का, और डिसोल्यूशन के समय अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो डिफिशियंसी को जो शेयर किया जाएगा वो रेशियो होगा एडजस्टेड कैपिटल का रेशियो, ठीक है, मींस एट दैट टाइम पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, और पार्टनरशिप एक्ट बोलता है गार्नर वर्सेस, ठीक है, और गार्नर वर्सेस मरे का क्या रूल है, ये रूल है कि भैया जो रेशियो शेयर करना पड़ेगा वो कैपिटल रेशियो होगा डिफिशियंसी को शेयर करने। किताब को एक लाइन लिख देता है, आपका काम है एक लाइन लिख देना, ठीक है। हम लोग ने गार्नर वर्सेस मरे पढ़ लिया है, कल हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, एक मिनट रुकिए, कल हम लोग पार्टनरशिप डीड को पढ़ेंगे और खत्म करेंगे, ठीक है, कल मोस्ट प्रोबेबली हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे भी चले जाएंगे। बंद नहीं, रिकॉर्डिंग क्लोज कीजिए।